Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is imperative theory of law. So far as the imperative theory of law is concerned, it is now commonly known by three names: Austinian theory, gunman theory, and legal theory. Now I would like to elaborate the prelude of this theory. This theory was originally propounded by Professor Hobbes, but largely attributed to John Austin. उसकी वजह ये है कि सही जो पहचान है इस थ्योरी को वो जॉन ऑस्टन की वजह से मिली है और उसी ने इसको रिकग्नाइज करवाया है और पॉपुलैरिटी भी उसी की वजह से मिली है। अब इन दोनों थ्योरी को हम ऑस्टिनियन थ्योरी के नाम से भी मौसूम करते हैं और इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिविस्ट थ्योरी भी है और थ्योरी ऑफ इंपेरेटिव लॉ भी इसे ही कहा जाता है और समटाइम्स इसको हम लॉ एज ए कमांड ऑफ सॉवरन भी कहते हैं। सो फार एज दी जॉन ऑस्टन इज कंसर्न्ड, John Austin is known as the father of this theory, and this theory has been given three different names. Already I have told Austinian theory, gunman theory, and legal theory. So far as the first book regarding this theory is concerned, it was published in 1832, commonly known as Provence of the Jurisprudence, and the name of the writer was Sarah Taylor. She was the wife of John Austin. अगर आप इसकी कोई एग्जाम्पल मुझसे लेना चाहें तो इसमें रोड ट्रैफिक एक्ट जो 1960 में बनाया गया वो इसकी बुनियादी एग्जाम्पल है, जिसमें इस बात को डिस्क्राइब किया गया कि जो कमांड्स हैं जो के सॉवरन ने जारी किए हैं उन पर इंग्लिश लीगल सिस्टम में किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा। इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ जो है इसकी कई डेफिनेशन की गई है। मिसाल के तौर पर ऑस्टन के मुताबिक वो इसको लॉ एज ए कमांड कहते हैं और ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो किसी पर्सन या पर्संस को ऑब्लाइज करती है और साथ कोर्स ऑफ कंडक्ट का भी जिक्र करते हैं ताकि उसके जो कोर्स ऑफ कंडक्ट है वो भी साथ साथ जारी रह सके। इसी तरह से एक और डेफिनेशन इसकी जो पेश की गई है उसमें इसको ऐसे सेट ऑफ रूल्स करार दिया गया है जो कि सावरन की तरफ से जारी किए जाते हैं, जो पर्सन या पर्सन के लिए जारी किए जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट पोलिटिकल सोसाइटी में इन्फोर्सेबल विद सेक्शन होते हैं। इसी तरह से अगर इसकी एक और डेफिनेशन की जाए तो सिंपल लफ्जों में लॉ इज ए कमांड जो कि सॉवरन जारी करता है और इसको बैकअप हासिल है सेंक्शन के जरिए। अब ये जरूरी है कि इसकी जो डिस्टिंक्शन फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। चार पॉइंट्स बड़े अहम हैं ऑस्टन थ्योरी में। पहली बात तो ये है इट इज अ टाइप ऑफ कमांड, दूसरी बात ये है कि ये हमेशा पॉलिटिकल सॉवरन ले डाउन की है और तीसरी बात ये है कि ये सेक्शन के जरिए इन्फोर्सेबल की जाती है। अब ये बात जरूरी है कि ब्रीफली इस बात को समझाया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ इज ए कमांड। अगर आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी को देखें तो कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्टिव या कोई लीगल पॉजिटिविज्म जो सॉवरन की तरफ से जारी किया जाए या सॉवरन की कोई एक्सप्रेस डिजायर हो कि कोई शख्स उस पर एक्ट करे या कोई काम करने से रिफ्रेन यानी मना हो जाए तो, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंबाइंड विद द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट
for failure to comply और अगर आप सावरम की बात के साथ comply नहीं करते तो यार तो then you are liable to be punishment आप काबले ताज़ीर हैं आपको सजा दी जा सकती है इसी तरह से मज़ीद अगर इसकी और तशरीह की जाए तो ये भी बताना जरूरी है कि all commands are not laws ऑस्टन ने इस बात को अपनी इस बुक में लिखा है कि जो कमांड्स हैं उसमें कुछ लॉज हैं और कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो कि लॉ की हद तक नहीं पहुंचती और ऑस्टन डिस्टिंग्विश करता है उन कमांड्स में जनरलिटी के हिसाब से कि कुछ कमांड्स जनरल होती हैं और कुछ कमांड्स जो है उन पर अमल दरामद करना जरूरी होता है और इस सिलसिले में जनरल कमांड में उन्होंने उसको डिफरेंट किया है ट्रांजिटरी कमांड से और उसकी मिसाल दी है कि जैसे परेड ग्राउंड है या जब परेड ग्राउंड में ट्रूप्स हैं तो उन पर लाजम है कि वो अपने ऑफिसर को ओबे करें लेकिन जब वही ट्रूप्स मिलिट्री स्टेशन पर या किसी और जगह पर स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो देन उनको कहा जाता है कि वो उसी कंटिन्यूटी को जारी रखेंगे जितने लोग उस स्टेशन पर मौजूद हैं वो सब लोग उसी कंटिन्यूटी को जारी रखेंगे लेकिन दिस इज ए जनरल ऑर्डर लेकिन जब वो परेड कर रहे होते हैं जब वो ट्रांजिटरी पोजीशन में होते हैं तो फिर कमांड जो है एज ए ऑर्डर उनको ओबे करना लाजिम है इसी तरह से लॉ गिवन बाय द सॉवरन जो है इसका क्या मतलब है सॉवरन किसे कहते हैं एक ऐसा शख्स एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम अथॉरिटी रखती है दैट इज कॉल्ड सॉवरन और इसी तरह से अगर आप एग्जांपल्स ऑफ सॉवरन में देखना चाहेंगे तो याद रखिए इसमें कुछ कंट्रीज की मिसालें दी जा सकती हैं जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रीएम्बल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट लाइज विद द ऑलमाइटी यानी इस किताब में तो ये नहीं बात इस लेक्चर में शामिल लेकिन मैंने इसका रेफरेंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के प्रीएम्बल से दिया है कि पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान में जो सालमियत होगी जो हाकमियत होगी वो अल्लाह ताला को हासिल है लेकिन इसके मुकाबले में अमेरिका में कांग्रेस को सॉवरेनिटी हासिल है और इसी तरह से इंग्लैंड में पार्लियामेंट सॉवरन की पोजीशन अक्वायर करती है लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी है कि कुछ अल्फाज हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है जैसे गनमैन इज नॉट ए सॉवरन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गनमैन एंड सॉवरन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गनमैन एंड ए डिक्टेटर जो गनमैन है सिक्योर्स ए मच मोर लिमिटेड कंप्लायंस बट द लेटर एंजॉयज ए जनरल मेजर ऑफ ओबीडियंस जो गनमैन है उसको महदूद कंप्लायंस आपकी मर्जी आप उसकी कंप्लायंस करें या ना करें लेकिन जो डिक्टेटर है वो इसके मुकाबले में ज्यादा जनरल ओबीडियंस जो है उसको एंजॉय करता है ज्यादा अख्तियार आपको एंजॉय करता है ऑस्टन ये कहता है इफ देयर इज नो सॉवरन देन देयर इज नो लॉ तो इसका मतलब सादा लफ्जों में ये है कि अगर किसी स्टेट में सॉवरेनिटी नहीं है सॉवरन नहीं है तो ऑस्टन कहता है कि उस मुल्क कोई कानून नहीं है और इसकी उसने समझाने के लिए जो मिसालें दी हैं या इसको बेहतर पोजीशन में लाने के लिए वो कहता है कि ये सॉवरन पहली बात तो ये है कि इनलिमिटेबल है अनडिविजिबल है बट कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सॉवरन्स की जो पावर है वो लिमिटेड नहीं है और ना ही आप सॉवरन की पावर को डिवाइड कर सकते हैं सॉवरन कंटिन्यूस पावर्स अक्वायर करता है
इसी तरह से चौथा पॉइंट जो है वो ये है, ऑस्टिन ये कहते हैं कि लॉ इज ऑब्लिगेटरी, लॉ इज लॉ ओनली कब, जब ये इफेक्टिव है। वो कहता है लॉ सुखद एप्लीकेटरी बनता है जब वो असर पजीर हो, जब वो असर अंदाज हो, लेकिन अगर उसको जनरली ओबेड किया जाए, और कुछ लोग उसकी ओबीडियंस कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी ओबीडियंस नहीं कर रहे, तो फिर वो ला की हद तक नहीं पहुंचता। लेकिन यहां पर जो वो सावरन की बात करता है तो वो ये कहता है अफेक्टिव तो होना चाहिए लेकिन जनरली ओबेड किया जाना चाहिए, उसकी परफेक्ट ओबीडियंस जरूरी नहीं है। इसी तरह से जो सैंक्शन है, व्हाट इज सैंक्शन, जहां तक ब्लैक स्ट्रेटजी में सैंक्शन की मीनिंग का तर्क है, तो इसका मतलब यह है कि किसी शख्स का कोई, किसी शख्स पर कोई पेनल्टी इंपोज करना, दूसरे लफ्जों में किसी क्राइम के लिए कोई पनिशमेंट मुकर्रर करना, दिस इज गॉड सैंक्शन। और इसकी बुनियाद है लैटिन मशहूर मैक्सम है न्यूला पोइना साइन लेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, इफ देर इज नो लॉ देन देर इज नो पनिशमेंट। तो सैंक्शन भी यही कह रहा है कि देर शुड बी ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम। इसी तरह से जनाब सॉलमन ने सैंक्शन को जो डिफाइन किया है, उसने बड़े ही अफसोस के साथ इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन का नाम दिया है कि ये आलाए जबर है, ये आलाए तशद्दद है, और इसमें हम इसको इंपेरेटिव लॉ की शक्ल में इंपोज कर देते हैं। वो कहता है कि ये जो सैंक्शन है ये फिजिकल फोर्स है जो अप्लाइड की जाती है सावरन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। तो याद रखिए कभी भी क्वेश्चन के जरिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए या फिजिकल फोर्स के जरिए अगर आप कोई भी सैंक्शन आयत करते हैं, आप कोई भी पनिशमेंट आयत करते हैं, तो डेट इज नॉट लीगल। इसी तरह से जहां तक इसके मैरिट्स का ताल्लुक और डीमैरिट्स का ताल्लुक, तो पहली बात मैं ये आपको बता दूं, ये जो इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है ये नेचर से कतर रिलेट नहीं करती, और हकीकत में ये एक मशीनरी टाइप, एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए इसको इन्फोर्स किया जाता है। और ये जो थ्योरी है ये सिर्फ उस वक्त लॉ को रिकॉग्नाइज करती है जब वो लॉ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट हो और वो लॉ फिजिकल फोर्स के जरिए नाफिज किया जाए और उसकी एग्जीक्यूशन किसी मशीनरी के जरिए की जाए, और मशीनरी वो है जो एग्जिस्टेंस में हो, जो वजूद में हो। और ये थ्योरी सिंपल है और इसमें डेमोक्रेटिक स्टेट्स सिस्टम, कम्युनिज्म, मटेरियल लॉ और इसी तरह से ये जो चीजें हैं वो इस थ्योरी की इंटीग्रिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो इस थ्योरी की इंटीग्रिटी से टकरा रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि ये थ्योरी सिर्फ मॉडर्न सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। और इसी तरह से मजीद सॉलमन ने इसके बारे में ये कहा कि दिस इज एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, और फिर उसने मजीद ये कहा कि इसको लाजमी तौर पर एज ए फैक्चुअल सिविल लॉ रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक स्टेट की प्रोडक्ट है और ये डिपेंड करती है फिजिकल फोर्स पर, और ये फिजिकल फोर्स स्टेट एक्सरसाइज करवाती है, और उसके लिए उसने अपनी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स या एजेंसियां कायम कर रखी है। अब मेरिट्स के मुकाबले में इसके डीमेरिट्स बहुत ज्यादा है। जहां तक ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ को क्रिटिसाइज किया गया तो मेरे ख्याल में शायद ये सबसे ज्यादा
क्रिटिसाइज की जाने वाली थ्योरी है। सालमन ने इसको वन साइडेड थ्योरी करार दिया। उसने कहा कि ये सिर्फ फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है और ये एथिकल और मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ से बिल्कुल मुबर्रा है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से फिर उसने ये कहा कि दिस इज इनकम्प्लीट थ्योरी, ये तो नामुकम्मल थ्योरी है, इसलिए कि तमाम कवानीन जो है, तमाम लॉज जो है, वो हर वक्त इंपेरेटिव या कमांड्स नहीं होते। कई ऐसे रूल्स हैं जिनमें ऑब्लिगेशंस हैं लेकिन उसमें लिबर्टीज दी गई है और साथ लोगों को कुछ पावर्स भी दी गई हैं और लोगों को यह भी कहा गया है कि आपने उनको फॉलो करना है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इनकम्प्लीट थ्योरी करा दी है। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात इसमें जो ज्यूरिस्ट जो हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से तलक रखते थे, उन्होंने कहा जी लॉ बिफोर स्टेट। उन्होंने यह बात बड़ी खूबसूरत बात की कि चूंकि लॉ इज प्रायर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड इंफोर्समेंट, क्योंकि ऑलरेडी लॉ मौजूद होता है जब स्टेट उसको इंफोर्स करती है, तो इस पर यह भी तंकीद की गई कि इसमें हर हाल में इंफोर्समेंट लाजमी है बट देयर इज नो लॉ। इसी तरह से पावर कंफरिंग रूल्स हैं, यानी जैसे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो कमांड्स की हद तक तो नहीं पहुंचते लेकिन वो आज खुद अपने आप को पावर देने की कोशिश की जाती है, जैसे रेंट एक्ट है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है और इलेक्शन स्टैट्यूट बना दिए गए हैं। इसी तरह से जो बुनियादी, उन्होंने कहा कि जो बुनियादी रूल्स हैं वो क्रिएशन ऑफ सॉवरेंटी नहीं है, इसलिए इसको एक मुकम्मल थ्योरी कहना जायज बात नहीं है। इसी तरह से एक पॉइंट प्रोमल्गेशन का है, ऑस्टन ने यह कहा कि चूंकि लॉ इज ए कमांड और ये जो कमांड थी इसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था पब्लिक एट लार्ज के लिए, तमाम लोगों के लिए, ताकि वो उसको ओबे कर सके और उसको फॉलो कर सके। तो ऑस्टन का ये व्यू है कि इसकी मुकम्मल तौर पर प्रोमल्गेशन ही नहीं की गई, इसको मुकम्मल तौर पर अवाम तक कम्युनिकेट ही नहीं किया गया, इसलिए ये थ्योरी इतनी कामयाब थ्योरी नहीं है। जहां तक प्रेसिडेंट्स का तर्क है तो इंग्लिश लॉ का जो बल्क ऑफ इंग्लिश लॉ है वो रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस है। इंग्लैंड ने तमाम कवानीन अदालती फैसलों के जरिए, तमाम रूल्स लॉज अदालती फैसलों के जरिए एनेक्ट होते हैं और इन जजेस ने वास्ट एरिया हर मुल्क का जो है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसी तरह से जहां तक अथॉरिटी का तर्क है तो सॉवरेंटी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावर रखें, इसका मतलब यह है कि आपके पास अथॉरिटी हो और कौन सी अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। और जहां तक ऑस्टन ने इस पर मसीह रखा तो उसने कहा जी देखते थे गवर्नमेंट थ्योरी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट थ्योरी इसलिए है क्योंकि ये लॉ और कमांड में कोई फर्क नहीं करती, ऐसे ही है जैसे कमांड को बैंक रॉबर्स की तरह उसने करार दिया है जो ऑर्डर करते हैं कि हमें गन पॉइंट पर पैसे हमारे हवाले कर दो, यानी इसको उन्होंने लॉ से कंट्राडिक्टरी करार दिया है। यह भी मैं आपको बता दूं कि देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी इन इंटरनेशनल लॉ, नो एप्लीकेशन ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू लिसन मी दैट देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी इन मोहम्मडन लॉ। वी पीपल बी एंड मुस्लिम्स वी कैन नॉट अप्लाई द
Austin definition of law. But these law, ye us waqt bane the jab riyasat ne abhi naye naye legislative functions ada karne shuru kiye the. To Mohammedan law se ye bilkul contradictory hai. Aur main aapko isko conclude aise karunga ke ye jo Austin theory of law criticism ke bawajood hum isse deny nahi kar sakte, hum isse inkar nahi kar sakte. Isne great services render ki hai aur isne simple aur clear definition di hai law ko, lekin ye fact aaj admitted kar diye hai ki ye ek legal theory hai jo reality ke badi kareeb hai. Austin ke mutabik har positive law ya every law strictly simply call kiya jana chahiye aur ye ek set of sovereign individual hai, sovereign body of individual hai jo kuch ishkaz par mushkil ho sakti hai aur state jo hai isko enforce karti hai. Umeed hai ki aap mere lecture ko samajh gaye honge. Thank you very much. Agar koi theory ho, I am available on YouTube as well as the Law, the College of Law.